हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक, मरियम औरंगज़ेब, और सो मच सो कि आज तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग, और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं, और दुरुस्त भी है, क्योंकि अभी जो है वो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो एक घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या जरताज गुल जो है, जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पना दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो दो हीरोइनें हैं, जो नई नई हीरोइनें बनी हैं, और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं, कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी कौम की बेटी हूँ, मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ? हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल यह है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है, या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी इस यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है? मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूँगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो ख़ुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वो ले भी लेंगे, होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा जी छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज्जत है मुआशरे के अंदर, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं, जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है या तरीके इंसाफ के लिए है, और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियाँ एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियाँ हैं। अब ये जो नोटिसेज हैं, जिसको बड़ी आसानी से बग़ैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है, और आज मैंने ये भी पूछना है कि जनाब हत्तक़े इज़्ज़त का कानून, मेरा सवाल आप सब से भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलमबरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है, और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पे शायद चले गए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियां जो है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियाँ किसी अदालत में नहीं हैं। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है? अब डेफामेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी, हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती, एक पोलिटिकल ये उनका वतीरा है। ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ, ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो जो वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो दो चार और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियाँ हैं, जो 9 मई की दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल, इसलिए कि मैं जो है वो PTI की जो है वो उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी ख़बर है PTI के लोगों के लिए,
उज़्मा ज़ाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने यह तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है, क्या आप औरत की करेक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं, अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये वास्तव हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ। और मेरी लीडर वो मरियम नवाज़ है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशंस हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस इमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड, वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन, आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट में उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुकबले 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन का नंबर कितने बजे लगे। आपके वालिद साहब यहाँ पे लोगों को खुद इंसाफ दिलवाते थे, आज आप इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और आप हुकूमत में भी हैं, तो क्या समझती है ये रवैया आपके साथ क्यों अपना है? नहीं, बात रवैये की नहीं है, बात उस दोहरे मेयार की है जो इंसाफ का इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोग, उनको अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी कैटर किया जाता है, उनको अदालती छुट्टियां, हमारी नज़रसानी की अपील नहीं लग सकती सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि तातीलात हैं, तातीलात में जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, हमें यह बताया जाता है। लेकिन उनकी पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी लगती हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे होते हैं, वो उनको माशाल्लाह सुनते भी हैं। तो सर, हम भी किसी की बेटियां हैं, चलें आपकी ना सही, हम जो है वो, लेकिन कौम की बेटियां जब आपने कहा है, या फिर कौम डिफाइन कर दें, कौम सिर्फ तरीके इंसाफ है, बाकी सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे ही है। मैडम ये बताइए कि खवातीन के साथ ये बहुत पहले भी हो चुका है, इसमें सियासतदान तो शामिल हैं ही, लेकिन मर्द भी इसमें शामिल हैं, इसमें सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, इसमें आम घरों की लड़कियाँ भी शामिल हैं, उनके लिए हुकूमत। देखिए, मैं आज बारिश का कतरा बनने आई हूँ कि जो डेफामेशन का लॉ हमने इसीलिए बनाया था कि तमाम लोगों को जिनकी हद तक की जाए वो उनके पास एक फोरम मौजूद हो। मेरा सवाल ये है जो मैंने पूछना है कि जी आपने जो हद तक के इज़्ज़त कानून को उनकी शिकें मुअत्तल कर दी, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कहाँ जाएं, हम जो है वो इंसाफ कहाँ से लें, यही तो मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये वतीरा है, जो जो पीटीआई के साथ फनकार खड़ा है सिर्फ उसकी इज्जत महफूज है, जो क्रिकेटर जो है वो इमरान खान की टीसी करे सिर्फ वो क्रिकेटर है, वो जो है वो कौम का हीरो है, जो जो साफ़ी हैं वो आपके प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हों और इमरान खान की गुड्डी चुप के रखते हों सिर्फ वो साफ़ी हैं, उनकी इज्जत महफूज है, ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता। और मैं इमरान खान को खुद कुत्ते के साथ मिला दिया गया, कहाँ, किसने, किताब के अंदर लिखा गया और पूरी सियासी जमातों ने और टीवी के ऊपर बकायदा रहा कि इमरान खान के साथ कुत्ते को मिला दिया गया। नहीं नहीं, गलत है, जिसने अगर ये भी किया तो बहुत गलत है, कतन नहीं हो सकता। देखिए, सवाल ये है कि मेरी टाइम लाइन जाके देख लीजिए, आज तक मैंने ब्लो द बेल्ट इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात की हो, इवन या मैंने किसी ऐसी ट्वीट को इनक्रेज किया हो, मैंने किसी को रीट्वीट किया हो, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा एक डिसेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दी है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हो रहा है उसको कहीं तो रुकना है ना, उसको कहीं तो रोका जाएगा, और ये किसका काम है। अभी FIA का नोटिस जो है, मैंने आज प्रेयर भी की है, एक तो मेरी प्रेयर ये है कि जी FIA को जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, मैं खुद कह देती FIA को, लेकिन वो नोटिस मुअत्तल हो जाना था अगले 5 मिनट के अंदर कि जी नोटिस मुअत्तल किया, एक मिनट नोटिस मुअत्तल किया जाता है, मैं इजाज़त देने आई हूँ कि जी इजाज़त है माई बाप, हम FIA को नोटिस दिलवा लें, क्योंकि मुझे पता है ना उसका रिजल्ट क्या होगा, वो FIA का नोटिस मुअत्तल हो जाएगा, वो मैं फिर ढूंढती फिरूँगी अब मैं क्या करूँ, और इजाज़त ले लेते हैं कि अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो हम FIA का नोटिस दिला लें। दूसरी बात, ECL में नाम डाला जाए उन लोगों का, मैंने बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद, इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना, एक दफ़ा इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा,
तो ही औरतों की इज्जत महफूज रहेगी, वरना इस घटिया सोशल मीडिया ब्रिगेड के सामने जो है वो हर बंदा पहले भी सरेंडर करता रहा, आइंदा भी करेगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं, चूंकि मेरी लीडर मरियम नवाज है जिसने आज तक हम बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वाकई ये वो हुकूमत है जो अपोजिशन में है, क्योंकि इस हुकूमत को टूथलेस कर दिया जाता है। ये हुकूमत कुछ भी जो है वो करे, सियासी इंतकाम की आड़ में उसको छुपा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो माशाल्लाह मसीहा मौजूद होते हैं, और धड़ाधड़ इंसाफ जो है वो एक बंदे को मिल रहा होता है। उसमें बताएं अब, मतलब वो चिड़ी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे वाला बात है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में एक अपडेट है आपको देना। आप बार बार एक बात कर रही हैं कि नून लीग को, यानी कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हमने यहाँ पे देखा है कोर्ट कोटिंग में पीटीआई की जो लीगल टीम है वो बहुत एक्टिव है। जहाँ कंपैरिजन किया जाए तो नून लीग की टीम इतनी एक्टिव नहीं है, सबसे बड़ी वजह तो ये है। अच्छा भाई, मैं जितने भी हमारे एक्टिव लोग हैं वो कहीं पर भी कोई कार्रवाई करते हैं, आप गारंटी दे सकते हैं कि जो हम कार्रवाई करेंगे वो 5 मिनट के अंदर सेट असाइड नहीं होगी, उसके ऊपर रिलीफ के। इस मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल क्या है, 101 मरतबा ये मैं कह चुका हूँ। और दूसरी बात जो है कि